आज के समय में हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया क्या है, आज कौन स्टार है और कौन सुपरस्टार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब कैसा था, फिल्मों में स्टार्स को कैसे चुना जाता था या कौन स्टार हुआ करता था और कौन सुपरस्टार हुआ करता था। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड की शुरुआत 1913 में हो चुकी थी, लेकिन उस दौर में सुविधाएं ज्यादा नहीं हुआ करती थी तो फिल्में साइलेंट बना करती थी। इसी दौरान 3 मई 1913 को इंडियन सिनेमा की पहले सैटेलाइट फिल्म राजा हरिश्चंद्र को रिलीज किया गया। लेकिन इस फिल्म में अभिनेत्री रूबी मायर्स को, जो कि बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाती थी, उनके किरदार ने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। क्या आप जानते हैं कि एक खूबसूरत अभिनेत्री कहाँ है, किस हाल में है, अपने आखिरी समय में कैसे अपना जीवन गुजार रही है? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इसी दौर के 18 साल बाद 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती साउंड फिल्म आलमारा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। आलमारा ही वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की नींव रखी थी। आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 109 साल हो चुके हैं और इन सालों में हमें कई बेहतरीन कलाकार मिले। इन्हीं में से एक नाम बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना का है। आज हम आपको इनकी अदाकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के समय में भारतीय सिनेमा में रूबी मायर्स को सुलोचना के नाम से जाना जाता है। वो उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी और साथ ही काफी बोल्ड भी थी। बताया जाता है वो अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर हुआ करती थी। हालांकि उनके इंडस्ट्री में आने से पहले कई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी, लेकिन जब रूबी मायर्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपने हुनर और दमदार अभिनय से भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार का खिताब अपने नाम करा लिया। रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना का जन्म साल 1907 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। रूबी भारत में रहने वाली यहूदी वंश परिवार से थी, लेकिन असल जिंदगी में वो ब्रिटिश मूल की थी। रूबी ने अपनी पढ़ाई पुणे से की। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। बताया जाता है कि टाइपिंग स्पीड में कोई उनका मुकाबला तक नहीं कर पाता था। तब वो बला की खूबसूरत हुआ करती। कहा जाता है जब एक नजर देखने वाला उनको देखता तो देखता ही रह जाता, इतनी आकर्षक थी वो। इसके बाद कोहिनूर फिल्म कंपनी के मालिक मोहन भवनानी ने जब उनको देखा तो तुरंत उनसे पूछ लिया कि सिनेमा में काम करोगी, लेकिन रूबी ने इनकार कर दिया। ये वो दौर था जब एक्टिंग की दुनिया को महिलाओं के लिए बेहद असभ्य पेशा समझा जाता था। लेकिन सुलोचना की खूबसूरती के कायल हो चुके मोहन भवनानी ने उन्हें हीरोइन बनाने की जिद पकड़ ली। आखिरकार रूबी ने एक दिन हाँ बोल ही दिया, लेकिन उन्हें अभिनय का कोई खास अनुभव नहीं था। इसके बाद साल 1925 में रूबी ने फिल्म वीर बाला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्हें मिस रूबी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके बाद वो रूबी मायर से सुलोचना बन गई। बताया जाता है साल 1910 से 1930 के बीच कई साइलेंट फिल्में बनी। उस दौर में फिल्मों में कोई आवाज या गाना नहीं हुआ करता था, लेकिन जिसने भी बड़े पर्दे पे सुलोचना को देखा वो उन्हें देखता ही रहता। लोगों के ऊपर सुलोचना का ऐसा क्रेज चढ़ा कि उनकी फिल्म लगते ही दर्शक सिनेमा घरों की ओर दौड़े चले आते। दर्शकों के साथ साथ फिल्म निर्माता भी सुलोचना के क्रेज के मारे थे, जो उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए उतारू रहा करते। बताया जाता है उस दौर में बड़े बड़े अभिनेताओं को ₹100 फीस दी जाती थी, लेकिन सुलोचना अपनी हर फिल्म के लिए करीबन ₹5,000 लिया करती थी। मोहन भवनानी के डायरेक्शन में बनी फिल्मों ने सुलोचना को स्टार बना दिया, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद सुलोचना ने कोहिनूर फिल्म कंपनी को छोड़कर इम्पीरियल फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। इस कंपनी के साथ सुलोचना ने करीब 37 फिल्में की। इनमें से टाइपिस्ट गर्ल, बलिदान, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे बेहद कामयाब रही। सन 1928 से 1929 के बीच रिलीज हुई माधुरी, अनारकली और इंदिरा बीए फिल्मों ने सुलोचना को इंडस्ट्री की कामयाब एक्ट्रेस का दर्जा हासिल करवा दिया। इसके बाद साल 1930 तक सुलोचना फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन 1931 में जब भारत की पहली बोलती साउंड फिल्म आलमारा आई तो सुलोचना की जगह जुबैदा को एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया, और इसके पीछे का कारण था सुलोचना की हिंदी, जो अच्छी नहीं थी।
कमजोर हिंदी होने के चलते उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया और इसके बाद सुलोचना ने एक साल का ब्रेक लेकर हिंदी में महारत हासिल की और दमदार कमबैक किया। सन 1930 में उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी रूबी पिक शुरू की। साल 1925 में फिल्मों में कदम रखने वाली रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना ने अपने 65 साल के फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1973 में सुलोचना को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। सुलोचना ने एक लड़की को गोद लिया और उसका नाम सारा मायर्स रखा, जिसे शादी के बाद विजय लक्ष्मी श्रेष्ठ के नाम से जाना जाने लगा। आखिरकार 10 अक्टूबर 1983 में गुमनाम जिंदगी जी रही सुलोचना दुनिया छोड़ चली गई। तो आप हमें बताइए कि आपको अपने दौर की इस मशहूर अभिनेत्री से मिलकर कैसा लगा, क्या आप इससे पहले इनके बारे में जानते थे? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में ऐसी तमाम सदाबहार किस्से कहानियों के साथ हम फिर लौटेंगे। देखते रहे, बने रहिए चैनल के साथ।